दोस्तों तो कैसे आप सब। अरे ये तो कैरीमिनाटी ऑलरेडी ले चुका है, जाने दो। तो ये मेरा पहला थेरी वीडियो है, तो चलिए शुरू। अरे यार ये तो टेक्निकल गुरुजी की लाइन है। डीबी कुछ नया बनाने वाले, डीबीएस में चल रहा है लिमिट ब्रेकर। तो लेट्स स्टार्ट बाय ब्रेकिंग द लिमिट्स। अरे वाह ये तो, लेकिन ये तो इंग्लिश में है। ठीक है तो चलिए हद पार करके शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है फ्रीजा के बारे में। तो फ्रीजा वापस आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं इसमें बड़ी बात है, पता उन्हें बता दूँ कि बू के हालत पतली हो गई है। नहीं इसका मतलब ट्रेनिंग कर करके फैट बू मिस्टर स्किनी बू बना हुआ उसका नया फॉर्म नहीं, तो वो खेल से बाहर हो चुका है क्योंकि उसने बहुत सारी ट्रेनिंग एक दिन में कर ली है। तो उसे अभी 2 महीने की रेस्ट चाहिए या वो सोने वाला है 2 महीने के लिए। तो उसकी जगह फ्रीजा को लिया नहीं गया है, वो उसे लेने वाले हैं। तो कुछ लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि फ्रीजा तो मर चुका है, उसे कैसे ले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गोकू भी मरा हुआ था लेकिन उसे वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में लाने के लिए बहुत लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की थी। नहीं इतनी भी नहीं की थी, सिर्फ उसके पीछे सिर्फ बाबा का हाथ था। इसी तरह इस बार भी फ्रीजा को वापस लाने के लिए एक दिन के लिए बाबा ही जिम्मेदार होंगे। तो ये थी आज की थ्योरी। और वैसे भी फ्रीजा बू से ज़्यादा पावरफुल है, तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता, आज के लिए बस इतना। अरे यार सारी की सारी अच्छी की अच्छी लाइंस किसी ना किसी यूट्यूबर ने ले ली है। ठीक है नई लाइन का इंतज़ार करो, तब तक इस वीडियो पे लाइक मारो, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। मुझे पता है मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ, उसका नाम है विक्सर। जाओ उसकी भी वीडियोस देखो, वो भी हिंदी रिव्यूज़ थेरीज और ऐसी कुछ वीडियो बनाता है। मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ट्यून्ड। वाह मिल गई नई लाइन। ओके सो फिर से स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ट्यून्ड।